नमस्ते बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, मैं इस बार आपको अंतर्राष्ट्रीय के सॉल्ट बताना चाहती हूँ, तो आप लोग सॉल्ट हमारे साथ बनाएं। जैसी अंतर्राष्ट्रीय किस प्रकार से बनता है, अंतर्देशीय किस प्रकार से बनता है, इंग्लिस्तान है, तो ये सॉल्ट बताएंगे हम आपको, तो आप हमारे साथ क्लास ज्वाइन करें। जैसे बच्चों अंतर्राष्ट्रीय, इंग्लिस्तान, आप इसके बनाए किस प्रकार से, ये अंतर हो गया राष्ट्रीय, ये अंतर्राष्ट्रीय। जैसे बच्चों इंग्लिस्तान, तो इंग ये हो गया इंग्लिस्तान। इंग्लैंड को किस प्रकार बनाएंगे, इंग हो गया लैंड, इंग्लैंड। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका किस प्रकार से आप लोग लिखेंगे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये यूनाइटेड हुआ, ये स्टेट हो गया, अमेरिका मा बना दिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका, परराष्ट्र सचिव, उदार दल, इसे आप किस प्रकार से बनाएंगे। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, तो संयुक्त और जा को बना दिया, ये संयुक्त राज्य हुआ, अमेरिका मां से काट दिया। जैसे परराष्ट्र सचिव है, तो किस प्रकार से बनाएंगे, पर राष्ट्र सचिव, ये इस प्रकार से बनाएंगे। जैसे उदार दल, तो उदार ऐसे बनाएंगे और दल इसी में बना देंगे, उदार दल। जैसे मजदूर दल, लिबरल पार्टी, लिबरल पार्टी। हम आपको बहुत ही शॉर्ट में बनाना सिखा रहे हैं। जैसे मजदूर दल, मजदूर, तो माँ को दुगना किया, दर लग गया और दल इसे बना दिया। जैसे मजदूर दल, लिबरल पार्टी, लिबरल पासे काट दिया, ये लिबरल पार्टी हुआ। कंसर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, उपनिवेश,
औपनिवेशिक स्वराज्य। तो आप किस प्रकार से लिखेंगे? कंसर्वेटिव पार्टी। जैसे बच्चों कंसर्वेटिव पार्टी, कन की ये बिंदु लगा दी, ये कंसर्वेटिव हुआ। लेबर पार्टी को इस प्रकार से लेबर पार्टी। उपनिवेश, उप ना का आंकड़ा किया, एस का ये बना दिया, उपनिवेश हुआ। औपनिवेशिक स्वराज्य किस प्रकार से बनाएंगे? औपनिवेशिक स्वराज्य, तो औप हो गया ये, निवेशिक ये हो गया, और बच्चों स्वराज्य में इसे इस प्रकार से स्वराज्य का यहीं पर चिन्ह बना दिया, तो औपनिवेशिक स्वराज्य। हम आपको जो महत्वपूर्ण है वही बनवा रहे जो एग्जाम में आती है, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम नकल उतरवाएं, आपको हाथ घुमाना आना चाहिए। जैसे औपनिवेशिक ये हुआ और स्वराज्य का चिन्ह बना दिया, ये स्वराज्य हुआ, तो आप हमारे साथ यूं ही क्लास में आगे चलते रहे जब तक आपकी 150 की स्पीड ना हो जाए, आप लोग बराबर क्लास लेते रहें। राष्ट्र संघ अब इसे आप किस प्रकार बनाएंगे? पहले इतना बना लीजिए, क्या लिखना है आपको? ब्रिटिश सरकार, तो आप किस प्रकार से बनाएंगे ब्रिटिश सरकार को? ब्रिटिश सरकार, जैसे राष्ट्र संघ है तो राष्ट्र संघ, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, तो ये किस प्रकार से लिखेंगे आप? तो ये आपका मिनिस्ट्री का हो गया, फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन ये हुआ, अफेयर्स में इसी में फा में सा को जोड़ दिया। एक बार हमारे साथ फिर से बनाएं, मिनिस्ट्री का ये हुआ, फॉरेन अफेयर्स ये हो गया, सुरक्षा परिषद, मानवाधिकार, यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र संघ किस प्रकार से हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ, जैसे सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद किस प्रकार से? सुरक्षा परिषद को इस प्रकार बनाया। जैसे मानवाधिकार, तो मानवाधिकार। यूनिसेफ किस प्रकार से बनाएंगे? ये या है नी से फो, ये यूनिसेफ है। तो इसके पहले शब्द समझाई, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, और इनके बाद में मैं थोड़े और शब्द बोलना चाहती हूँ, तो आप हमारे साथ शॉर्ट हैंड में लिखें। इस समय यूरोप में
शस्त्रीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति बड़ी भयंकर हो रही है। इंग्लैंड इस समय अपनी कमजोर राजनीति के कारण अकेला सा पड़ गया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस तथा अन्य राज्य दिल खोलकर साथ नहीं दे रहे हैं। लीग ऑफ नेशंस अर्थात राष्ट्र संघ का अंत सा हो चुका है। इन लोगों ने इस समय बोल्शेविज्म को भी दाब दिया है। इंग्लिस्तान की इस नीति से ना तो उदार दल वाले खुश हैं ना मजदूर दल वाले। उपनिवेशों का तो कहना ही क्या है, वे तो पहले ही से अप्रसन्न है। अब केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ देने से ही इनका भला हो सकता है। आपको मैंने ये शब्द बोले और इन्हीं शब्दों में मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द बोले और आप लोग हाथ को घुमाना सीखें। ऐसा नहीं है कि आप लोग किताब में जैसे ही शब्द लिखे हैं वैसे ही बनाने में लगे हैं, तो एग्जाम में अगर शब्द नहीं आया तो वहीं हाथ आप लोगों का रुक जाएगा। आप लोग ऐसे ही बराबर अपने परिस्थिति है तो आप अपने अनुसार परिस्थिति सॉल्ट हैंड में लिखें। ऐसा नहीं है कि परिस्थिति जैसा बुक में लिखा हुआ है आप लोग वैसा ही लिखें, तो रटे ना। मेरे कहने का मतलब यही है कि आप रटे ना, आप हाथ को घुमाना सीखें, लिखना सीखें, जिससे एग्जाम में कोई भी डिक्टेशन आए आप लोग लिख तो सकते हैं। आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।